आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। आज अपनी बात कहने के पूर्व मैं बाबा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, खंडा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारी इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी अभी माननीय गण को और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण, खासकर के सुनीता मैम जी को और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हूँ जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संविधानिक संस्थाओं के संविधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई सातवें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है, क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है? आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा आने वाले आगामी चुनावों में, इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है, 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है, आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है, तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी
यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की, रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति नियमों और आदर्शों का पालन किया था, और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।